सत्य को खोजने वाले सब साधकों को हमारा प्रणाम। आज का मधुर संगीत आज के विषय से बहुत संबंधित, जिसके लिए मैं विभू चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी सहज व्यवस्था हो जाती है। और आज संगीत में जो आपने 12 स्वरों का खेल देखा, वहीं हमारे अंदर भी ऐसा ही सुंदर संगीत निर्माण हो सकता है। ये जो कुंडलिनी के अष्ट चक्र आप देख रहे हैं, जो कि मूलाधार चक्र, मूलाधार स्वाधिष्ठान नाभि हृदय विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार, इसके अलावा हमारे अंदर सूर्य और चंद्र के भी चक्र हैं। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र को छेदने बाद भी 3 और चक्र हमारे अंदर कार्य करते हैं, जिसे हम अर्धबिंदु, बिंदु और वलय कहते हैं। ये सारे हमारे अंदर स्वर हैं। जैसे अगर सा से शुरू करें तो 7 स्वर सारे ग म प ध नि सहस्त्रार पे नी जाकर के पहुंचता है। इसी प्रकार इन सब चक्रों को जो शक्ति देते हैं, ऐसे ग्रह भी हैं। जैसे मूलाधार पे मंगल, स्वाधिष्ठान पे बुध, नाभि पर गुरु, हृदय पे शुक्र, विशुद्धि पर शनि, आज्ञा पे सूर्य और सहस्रार पे सोमवार, जो कि शिव जी का या देवी का स्थान माना जाता है, आदिशक्ति का। इसी प्रकार हमारे नवग्रह भी इन चक्रों पर वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी ओंकार श्री गणेश से प्रेरित है, वो सारा ही एक ही स्वर, एक ही ताल में पूर्णतया बद्ध होकर के एक सुंदर संगीत का साज हमारे अंदर परमात्मा ने तैयार रखा हुआ है। इसको छेड़ने के लिए ही कुंडलिनी कार्यान्वित होती है। जब कुंडलिनी इन चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, उसके उत्थान से हर चक्र में न जाने कितनी ही गतिविधियां हो जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि माँ ये इतना सरल कैसे। सरल तो ऐसे है कि जितनी भी जीवंत क्रियाएं हैं सब बिल्कुल ही सहज है। एक बीज में अंकुर भी सहज आता है। लेकिन जो हम रोज देखते हैं, रोजमर्रा जानते हैं, उसके प्रति हमें कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं, उसे हम मान से लेते हैं। जैसे कि आपके श्वास की क्रिया जो है, ये कितनी सहज है। इसके लिए अगर आप किसी गुरु के पास जाना पड़े या कुछ ग्रंथ पढ़ना पड़े या कोई लाइब्रेरी में जाना पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे। ये हृदय का जो स्पंदन अनहद हर घड़ी अपने आप ही कार्यान्वित रहता है,
उसको अगर चलाने के लिए हमें बाह्य से कोई उपचार करना पड़ता तो कितने लोग इस संसार में जीवित पैदा होते। ऐसी अनेक विध चीजें जो जीवंत है हम देखते हैं। ये फूल खिलते हैं अपने आप और इनके फल भी हो जाते हैं अपने आप। ये रितंभरा प्रज्ञा जिसने इस सृष्टि को पूरी तरह से आशीर्वादित किया है, वो ये सारे जीवंत कार्य हर क्षण हर पल करती रहती है। इतना ही नहीं, इसका चयन इतना अद्वितीय है कि उसका अनुमान हम अपने मानवीय बुद्धि से नहीं लगा सकते। माने एक आम के पेड़ में सिर्फ आम ही लग सकता, एक हिंदुस्तानी के घर हिंदुस्तानी ही पैदा होता है। मेरा मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानी से है कि वो कोई ब्रांड लेके आता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत से आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी। ये जो चयन है, ये जो चॉइसेस है, ये कितने गहन और कितने गणित से बने हुए हैं कि उसका अंदाजा हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो ये सीमित बूंद है इसे हम सागर में ढाल सकते। सागर से एकाकार होने पर सागर की सारी शक्तियों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसका आनंद भी लूट सकते हैं। यही कार्य ये कुंडलिनी करती है। लेकिन इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है इस सांस की कि ये स्वर सारे जाकर के अंत में अपने मस्तिष्क में पूरे यहां से लेकर के यहां तक सातों की सातों जिन्हें कि हम कहते हैं चक्रों के पीठ पूरी तरह से अपने कार्य में संलग्न होते हैं। यह सात चक्र जो हम नीचे देखते हैं उनके पीठ हमारे मस्तिष्क के, यहां से शुरुआत करिए या यहां से शुरुआत करिए तो मूलाधार, आदि सब करते हैं यहां आपके हृदय चक्र और हृदय के बाद यहां तक आप आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं और यहां विशुद्धि चक्र है। यह तो सारा कुछ आप किताबों से जान सकते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया उसकी कमाल देखिए कि सात स्वर बनाने के बाद उसके जो पीठ है, जो उसके हरेक स्वर का निनाद इन सात पीठों से बने हुए इस मस्तिष्क में, इस ब्रेन में किस तरह से घुमाया जाता है, उसकी जो शक्ति है उसको किस तरह से एक सुंदर सुगठित तालबद्ध स्वर में आलापा जाता है, यह एक कमाल की चीज है जिसे देखते ही बनता है। इस कमाल को हम इसलिए नहीं देख पाते कि हमारी दृष्टि ही बाहर की ओर है। और अगर कहा जाए कि आप अंदर की ओर दृष्टि ले जाएं, तो आप कहेंगे कि यह कैसे करें मां, यह तो मुश्किल काम है। आप अब इस वक्त मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आपका सारा चित्त मेरी ओर है, लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो आपका चित्त वहां आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो जो आपका चित्त बाह्य में फैला हुआ है वो एकदम अंदर की तरफ दौड़ता है। और जैसे कोई एक कपड़ा चारों तरफ फैला हुआ उसके अंदर से कोई चीज उसे ढकेलती हुई ऊपर की तरफ ले जाती है, इस प्रकार कुंडलिनी सहस्त्रार पे आने पर उसे चाक कर देती। लेकिन उसका चाक करना भी इतना सुंदर है कि जब वो भेद होता है तो
तो उस कुंडलिनी का प्रकाश उस सारे चादर में फैल जाता। जो कहा है कि राम रंग रसभीनी, वो चदरिया जो कि हमारे चित्त की है उसमें सत्य का प्रकाश फैल जाता है। अब इतनी सुंदर रचना है कि हृदय चक्र बराबर यहां बीचों बीच है जहां पर कि हमारा ब्रह्मरंध्र छेदन होता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन उस जगह है जहां हमारा हृदय, इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होगी तब तक ये भेदन ठीक नहीं हो सकता। सारा काम हृदय का है ये समझने की बात, आप लोगों ने बुद्धि से मेरी बात समझ ली है। बुद्धि से समझने की बात ठीक, लेकिन जब तक ये हृदय से संचारित नहीं होगी, जब तक ये हृदय से सर्कुलेट नहीं होगी, तब तक हमारे अंग अंग में ये बसने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हृदय में ही हमारे आत्मा का स्थान है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हृदय को छेड़ने के लिए पहले हमें अपने हृदय को खोल देना चाहिए। इस हृदय में आत्मा का आवास है जिसके ऊपर सात रंगों में इन सात पीठों से प्रकाश फैला हुआ। इतना निकट का संबंध हमारे इस मस्तिष्क का, ब्रेन का और इस हृदय का। लेकिन आज हमारा हृदय एक तरफ काम करता है, शरीर दूसरी तरफ काम करता है और बुद्धि तीसरे तरफ खींचती है। इसमें कोई समग्रता नहीं। समग्र माने सब अग्रों में से एक ही सूत्र जाना चाहिए। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इसीलिए हम अपने से ही रोज लड़ते रहते हैं, अपने से ही रोज झगड़ा रहता है। किसी का एक चक्र अच्छा है तो दूसरा खराब है, दूसरा चक्र अच्छा है तो तीसरा बिल्कुल कमजोर हो चुका, चौथा बेकार हो चुका। और इन चक्रों की लड़ाई में ही सब तरह की दुविधा, परेशानी, चिंता, बीमारियां आ जाती हैं। और ये सारे चक्र भी पंचमहाभूतों से, एलिमेंट से बने हैं। और एक शेर कहा है कि मौत क्या है, इन्हीं अज्ञा कस परेशान होना। जब ये चक्र परेशान हो जाते हैं तो मौत आ जाती। ये चक्र सारे की सारे जिन पीठों से संचालित होते हैं, गवर्न होते हैं, वो पीठ हमारे मस्तिष्क में, और हमारे मस्तिष्क से ही सेंट्रल नर्वस के साथ इन सारे चक्रों का चलन वलन हो सकता था, लेकिन होता नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही हम इन चक्रों को संचालित करते हैं। जब तक हम पैरासिम्पैथेटिक पर अपना प्रभुत्व न जमा लें, जब तक हमारा संबंध वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसको हम नहीं चला सकते, ऐसी स्वयं चालित के स्वयं पर अपना जोर न जमा लें, तब तक न हम बदल सकते हैं न दुनिया बदल सकती। बाहर से आप किसी चीज को ठीक कर लें, किसी पेड़ में अगर कोई खराबी हो जाए तो उसके अगर आप किसी पत्ते को ट्रीटमेंट दे दें तो शायद वो थोड़ी देर के लिए ठीक भी हो जाए, लेकिन असली बीमारी उसके जड़ में है और उसके अंदर जो रस रास्ता है, जब तक उसमें आप दवा नहीं देंगे तब तक वो पेड़ आप बचा नहीं सकते।
और इतना ही नहीं कि सातों पीठों का यहाँ सम्मिलन है, यहाँ तीन जो शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित है, हमारी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और धर्म शक्ति, जिससे हमारा उत्क्रांति का पथ बनता है, जिससे हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जाते हैं, ये तीनों ही शक्तियां एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार इस मस्तिष्क में सात चक्र और तीन शक्तियों का समन्वय होता है, लेकिन उनमें रिलेशनशिप, उनकी दोस्ती मात्र होती है, इंटीग्रेशन नहीं होता, समग्रता नहीं। जैसे कि एक ही स्वर में, एक ही ताल पर सातों स्वर नाचे, ऐसी स्थिति तभी आती है जब उनके मणि के छिद्र से एक ही कुंडलिनी, जैसे कि डोर पुरोई जाती है, उस तरह से पूरी तरह से भेद करती हुई यहां पर संस्कार को भेज देती। यह संस्कार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। संस्कार जो हमारा आखिरी चक्र है, इसमें 1000 अंकुड़ियां हैं, जो कि वास्तविक हमारे अंदर जो 1000 नाड़ियां हैं। डॉक्टर लोग इस पे कभी कभी बड़ा झगड़ा उठाते हैं कि नहीं 982 है या कुछ है, ये तो बिल्कुल हृदयहीन बातें हैं, जिसमें कोई सुर नहीं, कोई माधुर्य नहीं। 1000 उसमें पंखुड़ियां हैं, जो कि इन नाड़ियों को तेजोमय करती हुई ऐसी दिखाई देती हैं, जैसे कि किसी कमल पुष्प में 1000 पंखुड़ियां हो और वो पंखुड़ियां सजीव हो करके और बड़ी सुंदरता से उनका प्रकाश आपस में झिल मिल मिलता, अत्यंत शांत ऐसी ये तेजो वलय से भरी हुई तेज पुंज ज्योतियां जैसे कि पंखुड़ियां हो, इस तरह से प्रकाशित होकर के और आंदोलन करती रहती। इस आंदोलन से जो हमारे अंदर आनंद निर्माण होता है उसे निरानंद कर, निरानंद माने केवल आनंद, एब्सोल्यूट जॉय, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं बचाती। आनंद में दो चीज सुख और दुख नहीं होता, केवल आनंद मात्र, और वो मौन ही में जाना जाता है। जैसे कबीर दास जी ने कहा था कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले, वो जो एक श्रेष्ठों की योगियों की स्थिति है, उस निरानंद स्थिति में उतारने के लिए जब कुंडलिनी इतनी तत्पर है तो सिर्फ थोड़ी सी उसकी सहायता करने से वो आपको उस ओर पहुंचा सकती है जहां इस निरानंद का सागर आपके सम्मुख लहलाता है। इतनी काव्यमय कुंडलिनी की शक्ति है, इतना सुंदर उसका चलन वलन है कि देखते ही बनता है। हालांकि कुछ कुछ लोगों में मैं देखती हूं कि कुंडलिनी आहत है, आहत स्थिति में कुंडलिनी, कहीं कहीं देखती हूं कि जैसे कोई कमजोर माँ छटपटाती हुई किसी तरह से अपने बच्चे को पुनर्जन्म देने के लिए धीरे धीरे उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। इस प्रकार ये कुंडलिनी बिचारी, जो कि हजारों जन्म में आपके साथ थी और आज फिर आपके साथ आई हुई है, पूर्णतया प्रयत्न करती है कि किसी तरह से मेरे बच्चे को उसका जन्म मिले। ये करुणामयी माँ, प्रेममयी माँ, ये आपको किसी तरह से तकलीफ कैसे दे सकती,
जिसने हजारों वर्षों से यही प्रतीक्षा की कि मेरा बेटा किसी न किसी दिन इस शुद्ध इच्छा को पूरित करे और इस योग को प्राप्त करे, वो आपको किसी प्रकार से भी दुख नहीं दे सकते। लेकिन मैंने आपसे जैसे बताया, दुनिया में इतने कटु लोग हैं कि जो शुभ और उच्च चीजें हैं उनके प्रति भी कोई आदर नहीं रखते, उनको किसी भी चीज के प्रति आदर नहीं होता। वास्तव में ये लोग स्वयं का भी आदर नहीं करते, इसलिए ये समझ ही नहीं सकते कि संसार में कोई चीज उच्च हो सकती है या ऐसी कोई विशाल चीज हो सकती है या ऐसी कोई महान चीज हो सकती है जो पूर्णतया पवित्र हो। हमारे सामने इतने संतों के उदाहरण होते हुए भी हम लोग भूल जाते हैं कि जब वो इस संसार में आए तो वो अपने लिए नहीं आए, क्योंकि उनको क्या करने का था, वो तो सब कुछ पाए हुए, वो कुछ देने के लिए हमारे पास आए थे और जो उनको देना था वो उन्होंने काम हमारे अंदर हमारे शरीर के अंतर्गत कर दिया है। सिर्फ उसकी जानकारी हमें नहीं, बाह्य से हम जरूर उनके गुण गाते हैं, उनके गाने गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम इससे अभी अभिज्ञ हैं, अभी तक हमने ये जाना ही नहीं कि वो स्वयं हमारे अंदर बसे हुए इस कार्य के लिए तत्पर है। एक बार कुंडलिनी का जागरण होने दीजिए, तभी ये कार्य होगा। संसार की सुंदर व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप अपने ब्रेन को काट दें और ट्रांसफर सेक्शन में उसे देखें तो वास्तविक ऐसे दिखाई देगा जैसे कि कमल की पंखुड़ियां इस तरह से चारों तरफ लगी हुई। संसार की दूसरी कमाल संसार में आप देखिए कि श्री फल माना जाता है, देवी का फल जिसे हम लोग नारियल कहते हैं, इसकी तुलना हर बार अपने ब्रेन से होती है। आपको आश्चर्य होगा कि ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसी है कि आप नारियल के पेड़ के नीचे या हजारों पेड़ों के नीचे सो जाइए, आज तक कहीं भी ऐसी वारदात नहीं हुई कि नारियल का पेड़ किसी पशु पर या किसी मनुष्य पे गिरा। क्या आप इस कमाल से परिचित हैं? जब तक आप समुद्र के किनारे नहीं जाएंगे तब तक आप इस कमाल को नहीं देखेंगे। और समुद्र में भी एक कमाल देखिए कि नारियल के पेड़ जो समुद्र के किनारे में होते हैं, हालांकि इतनी जोर की हवा और बरसात और मानसून का थपेड़ा होते हुए भी सारे नारियल के पेड़ उस समुद्र के ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वो हमारा गुरु तत्व है। क्योंकि वो हमारा गुरु है इसलिए उसके आगे झुके रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं। उनकी समझ सहज और नैसर्गिक है, नेचुरल है, और हमारी समझ अभी बहुत ऊंची होने के कारण इतनी नैसर्गिक नहीं रही। हम जरूरत से ज्यादा कुछ लंबे हो गए। अगर आप जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाइएगा तो बहुत सी चीजें जो पाने की है कभी कभी खो जाती हैं, या अगर जरूरत से ज्यादा नाटे हो जाइए तो भी वो चीज खो ही जाती है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप मध्य मार्ग में नहीं रहेंगे तब तक आपकी कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन कार्य। लेकिन तो भी आजकल परमात्मा की कृपा इतनी जबरदस्त है, इतनी अनुकंपा उनकी बह रही है, मैं स्वयं आश्चर्य करती हूं कि हजारों लोग एक साथ पार हो जाते हैं। हालांकि इसके बारे में भृगु मुनि ने अपनी नाड़ी ग्रंथ में लिखा था कि ऐसा होगा और सबकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी, सबकी तकलीफें दूर हो जाएंगी और कुंडलिनी सहज में ही जागृत हो जाएगी। आप सोचिए कि इस देश में भृगु मुनि का इतिहास में कौन सा समय कहते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व भृगु मुनि हो गए और उन्होंने भी कुंडलिनी के बारे में बताया था कि सहज में ही कुंडलिनी जागृत होगी, इसका मतलब वे जानते थे।
लेकिन हम हमारे देश के जो लेखक हैं, हमारे देश के जो प्रवक्ते हैं, दृष्टा हैं, बड़े बड़े ऊंचे संत साधु हैं, इतने ही नहीं, यहाँ के जो अवतरण हो गए उनके बारे में कितना जानते हैं। आज ही किसी ने पूछा कि माँ शिवरात्रि में क्या महत्व है, क्या शिव जी का जन्म हुआ था? शिव जी का जन्म तो होता नहीं, क्योंकि जो सदाशिव है उनका जन्म होने का कोई मतलब ही नहीं लगता। लेकिन शिवरात्रि का अर्थ यह है कि ये महारात्रि जिस वक्त सारा संसार परब्रह्म स्थिति में सो रहा था, ये महारात्रि परब्रह्म सो रहा, जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी सृष्टि सारी हमारे साथ सो जाती है, इसी प्रकार ये सारी सृष्टि सो गई, ये महारात्रि थी। और तब उसमें सदाशिव जब जागृत हुए, सदाशिव माने जो कभी भी नहीं बदलते, जो कभी इनकार नहीं करते, जो सिर्फ एक साक्षी स्वरूप होकर के सारे संसार को देखते हैं, वो सदाशिव जब जागृत हुए तब उन्होंने अपनी शक्ति जो आदिशक्ति जिसे कि होली गोस्ट कहते, इसे वेदों में ई कहा गया, जिसे अचीना कहते, इस शक्ति को अपने से अलग करके और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। इसलिए शिवरात्रि आज मनाई जाती है कि आज की रात्रि के बाद शिव जी जागृत होगा, सदाशिव जागृत होगा। यही सदाशिव जब हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप प्रकाशित होते हैं तो इसे शिव कहा जाता। उस वक्त बहुत से लोग अज्ञान में उपवास करते, शिवरात्रि के दिन उपवास करने का तुक समझ में नहीं आता, क्योंकि जिनको यही मालूम नहीं कि शिवरात्रि के दिन क्या चीज हुई, यहां तक लोगों ने पूछा कि क्या उस दिन शिवजी की मृत्यु हो गई थी? जो अनंत है उनकी मृत्यु कैसे हो सकती? इतने हम लोग अज्ञानी हैं कि उस दिन हम उपवास करते हैं जिस दिन वो जागृत हुए थे। आज हमारे अंदर वो आत्मा जागृत होने का समय आया, हम लोग भी एक महारात्रि में डूबे हुए, एक महारात्रि जिसे ये घोर कलयुग छाया, एक महारात्रि है। और इस महारात्रि में जागृत होने के लिए आप आज सम्मुख बैठे हुए हैं, आपके अंदर बसा हुआ आत्मा आज जागृत होना चाहिए। ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद, सत माने ये कि आप सत्य को जानते हैं। अभी तक आपने सत्य को नहीं जाना, अभी तक जो जाना है वो सब भ्रम। जैसे कि एक आदमी आपके सामने आकर खड़ा हुआ और आप उसे देखते ही सोचते हैं आप कितना अच्छा आदमी है, अगर उसने आपके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, साहब देखिए मैं इतना अच्छा आदमी हूं, मैंने इतनी अच्छाई की और इस आदमी ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, आप उस पर ढह पड़े। हो सकता है कि वो किसी जेल से छूटा हुआ चोर हो सकता है वो आपको लूटने के लिए आया हो या आपको मर्डर करने के लिए आया, आप जान नहीं सकते कि आदमी कौन है, क्योंकि आप सत्य को जानते हैं। सत्य को जानने का मतलब यह होता है कि आप उस चीज को जाने जो सब चीजों का सार और तत्व है। जैसे कि मनुष्य का सार और तत्व क्या, उसका सार और तत्व उसका आत्मा है। उस आत्मा को जानते ही आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान सा लगता है और ज्ञान चीज आप अपनी नसों पर अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं। जैसे कि एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि माँ मुझे अंजाना की बीमारी हो गई, मुझे ठीक कर दी। मैंने कहा अच्छा बैठिया, मैं जा रही थी, मैंने कहा अच्छा बैठिए, उनकी कुंडलिनी जागृत की,
उनको बड़ा दर्द सा उठा थोड़ा सा। उसका अच्छा ठीक हो गया, आप हम जा रहे हैं। उनका माँ क्या कर रहे हैं, मेरे तो अभी हार्ट अटैक आ गया। मैं कहा बेटी तुम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं। उदास होकर बैठ गए। तो मैं मोटर में बैठी, फिर मैं निकल के आई। मैंने कहा कि देखिए मेरी बात आप सुनिए, अभी आप डॉक्टर को जा करके अपने एंजाइनोग्राफी लीजिए और उसके बाद आप विश्वास कर लीजिएगा कि मैंने जो कहा वो सही। और वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कमाल है, अरे भाई तुमको तो वाकई एंजाइना था, वो हो क्या गया, तुम ठीक कैसे हो गए। सो आपका जो जानना है वो जानना, क्योंकि डॉक्टर ने आपको बताया इसलिए जानना हुआ, और हमारा जानना इसलिए है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपके जो चैतन्य है, उसको हमारे आत्मा ने बता दिया। जब आत्मा बोलता है तब ये चैतन्य चलता है, ये ओंकार चलता है और ये आपको बताता है। कोई सी भी बात जिसके बारे में आपको जानना हो कि ये आदमी की तकलीफ क्या, जब आप योगी हो जाते हैं आप उसके और हाथ करिए, आपके उंगलियों के इशारे पे आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है। और जब वो बीमारी आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि उस बीमारी के कारण से परे, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उससे परे आपको उठना अगर आ गया तो आपने उसकी बीमारी ठीक कर दी। और उससे परे उठाना बहुत ही आसान है, उसको कुंडलिनी पर डाल दीजिए। कुंडलिनी जो है ये कॉज इफेक्ट से परे है, अगर आपने उसको कुंडलिनी पर डालकर उसकी कुंडलिनी उठा दी, खत्म, काम खत्म, वो सब तबीयत ठीक हो गई उसकी। कभी कभी कुंडलिनी का जागरण और उसका बिठाना थोड़ा मुश्किल जाता है, वो दूसरी बात, पर अगर वो हो गया तो काम खत्म, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं हम लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि इसमें इसका कारण यह है और इस वजह से परिणाम यह है और इस कारण परिणाम को ठीक करने से सब चीज ठीक हो जाएगी, कभी भी वो चीज नहीं ठीक होने वाली। मैंने आपसे पहले बताया कि एक चीज ठीक करेगा तो दूसरी खराब हो जाएगी। उससे परे जो परमात्मा का साम्राज्य है, जो सहस्त्रार में विराजता है, उस साम्राज्य में आप आइए, आपका आगमन हो, आपका स्वागत हो, नमस्कार करके आप अंदर आइए। और जब वहां आप बैठे हुए हैं तो किसकी मजाल है जो आपकी ओर आंख टेढ़ी करके देखे। मराठी में रामदास स्वामी ने कहा है, समर्था चिया व कृपा हे असा सर्व भूमंडली कौन आए, जिसने समर्थ की ओर आंख तिरछी करके देखी, ऐसे सारे भूमंडल में कोई नहीं। लेकिन पहली चीज यह है कि आप क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए हैं या नहीं, फिर आने के बाद वहां जमे हैं या नहीं। जमने की बात बहुत बड़ी सोचने की, तो सत जो है, जिसे हम सत कहते हैं, वो सत हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। कोई कहेगा कि माँ यहां पर ये फूल बिछे हुए हैं, ये हम अपनी आंख से देख रहे हैं ना, ये आंख हमारी जो है ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रही है कि ये यहां फूल रखे हुए हैं। फिर हम जब महसूस भी करें तो हम कह सकते हैं यहां फूल है, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं, इसकी जानी जिसे कहते हैं, इसको जानना जो है यही ज्ञान है, यही वेद है, जिससे विद होता है, जिससे बोध होता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना जाता है, यही हमारे उत्क्रांति का लक्षण है। और बाकी जो कुछ जाना है वो दिमागी जमा खर्च है या तो भावना की फेंक। इसलिए जब कुंडलिनी जा करके संस्कार को प्रकाशित कर देती है तो हम सब ज्ञान के अधिकारी हो जाते। आप सोचिए कि जब हमारे यहां ये संत साधु हुए थे तब यहां ना यूनिवर्सिटी थी, ना कॉलेज था, ना कुछ था, लेकिन ज्ञान के भंडार थे, दृष्टा थे, एक से एक लोग इस संसार में हो गए। लंदन में एक विलियम ब्लेक करके बहुत बड़े कवि हो गए, अगर आप उनका भविष्य पढ़े तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो एक ही चीज को सहज योग के बारे में उन्होंने इतने साफ तरीके से लिखा है कि बड़ा आश्चर्य होता। ऐसे दृष्टा मार्कंडेय जैसे लोग अपने इस देश में हो गए तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। शुरुआत में गरुड़ एक ही मछली पानी से बाहर निकली थी,
उसके बाद 10-12 निकली हुई, फिर 1,000 निकली हो, फिर उसके बाद न जाने कितनी मछलियां उससे निकल करके आज मानव स्थिति में बैठी हुई। उसी प्रकार अनेक वर्षों से हम लोगों ने तपस्या की हुई है, परमात्मा से योग मांगा है, मेहनत की है, और आज सर्वसाधारण मनुष्य बन करके संसार में आए हैं और आज उसको प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है, ये आपका हक, ये आपका हक, और वो आपका हक पूरा होना होगा। जो साधु संतों ने कहा है, जो इन अवतरणों ने कहा है, वो सब सच करके दिखाना होगा। उसके लिए एक ही शर्त है कि कुंडलिनी का जागरण होकर के आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो, जो कि आपके नस नस में बहे और आप जाने कि आप योगी जन हो गए। योगी जन हुए बगैर कोई सी भी बात समझाई नहीं जाती। तो आप सत्य हमारे मुंह से जो सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये जानने के लिए भी आपको योगी जन होना चाहिए, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हो सकता है झूठ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप योगी जन हैं तो बस आप हाथ फैला करके जान सकते हैं कि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बह रही हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सच बात। आप ये सवाल पूछे कि संसार में परमात्मा है या नहीं, परमात्मा है इसलिए आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहना शुरू। पर अगर किसी दुष्ट आदमी के लिए आप पूछे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो हो सकता है कि ये तो पूरे चैतन्य बंद हो जाए, शायद आपको गर्मी आ जाए, शायद एकाध बिस्तर भी आ जाए। लेकिन राक्षस को और संतों को पहचानने के लिए और भी बहुत सी तरीके हैं। बुद्धि से भी मनुष्य समझ सकता है, बुद्धि से भी समझ सकता है कि जिस आदमी की दृष्टि आपके पैसे पर है, आपकी सत्ता पर है, आपके घर के बच्चे बीवियों पर है, वो आदमी कभी भी संत नहीं हो सकता। संतों के लक्षण बार 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 कहे गए तो भी हम गलती कर जाते। इसलिए पहले सत्य को जानने के लिए कुंडलिनी को हमारे संस्कार में प्रवेश करके उसको प्रकाशित करना चाहिए, जहां ये 1,000 पंखुड़ियां जागृत होकर के सुंदर कलियों के जैसे, पंखुड़ियों जैसे सुंदर नृत्य करें। इसे आप देख अभी नहीं सकते, बाद में आप देख सकते, क्योंकि जब आपको हो जाते हैं, जब आप स्वयं ही प्रकाश होते हैं, तो आप प्रकाश कैसे देखेंगे? जब आप प्रकाश हो गए तब लोग पूछते हैं मां क्या करें, जब दीप जला लिया तो आप प्रकाश दीजिए। जब तक आपके बुद्धि में ये प्रकाश नहीं आता है, तब तक आपकी शक्ति 1,000 गुना कम है। मैं तो कहूं कि इसका कोई अंत नहीं, फिर अनंत तक है शक्ति, पर उससे पहले इतनी सी जो शक्ति है, जैसे कि एक बरगद का पेड़ एक छोटा सा बीज होकर के अंत में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य की बुद्धि अपने को इतनी छोटी और सीमित लगती है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि उसकी शाखाएं भी चारों तरफ उतर उतर के उसे और विस्थापित करते जाती है। ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है, आत्मा का सत्य स्वरूप है, आत्मा सत्य को बताता है। लेकिन सहयोग में जरूरी है कि आपकी बैठक होनी चाहिए। अब आपने म्यूजिक सुना, हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझनी चाहिए कि म्यूजिक चीज जो है बैठक के बगैर नहीं, बैठक चाहिए। पार तो हो जाएंगे आप, ठीक है, पर उसके बाद अगर बैठक नहीं हो तो आप समर्थ नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से इस पे प्रभुत्व नहीं पा सकते। इसके लिए बैठक चाहिए, अभ्यास चाहिए, और जब तक वो अभ्यास नहीं होगा आपके अंदर, उसकी संवेदना इस कदर नाजुक, संवेदना गहन, संवेदना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ये नसों से जाना जाएगा और ये नसें आज तक जड़ रही हैं, ये नस
जब तक वो नवीन जागृति के नए आयाम में, डायमेंशन में जब तक नहीं जागृत होती, तब तक आप नहीं जान सकते। हमारे एक बार बहुत से लोग हमसे कभी कभी सोचते हैं कि ये इनको क्या पता होगा, ये तो बस सीधी लगती है। और एक साहब आए, कहले माए दिखी ये आपका फोटो कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल गलत, मैं बता दूं किसने निकाला। उनका अच्छा बताइए। मैंने उस आदमी का नाम बता दिया जिसने ये फोटो निकाला। मैंने कभी देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं। वो चक्कर में आ गए कि माँ तुमने कैसे जाना। मैंने कहा हम सबके चक्रों को जानते और उस चक्र को इस चक्र में जान रहे कि उसी पे सारा काम हो रहा है, इसका मतलब उसी आदमी ने फोटो खींचा। एक साहब हमें समझाने के लिए आए कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आप जानती नहीं, ये बड़ा राजकारणी आदमी है और इसे संभल के रहिए और कुछ गड़बड़ कर सकता है। मैंने कहा अच्छा इतना ही बताना आपको। कहे हाँ। अच्छा आप सुनिए, आप मैं इसके बारे में क्या जानती हूँ कि इसकी बीवी अपनी नहीं है, किसी ब्राह्मण की बीवी भगा के लाया है, और इसका बच्चा तो और इसका है, लेकिन ये बीवी दूसरे की, और सब उसका। मैंने जो कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया तो वो आंखें फाड़ गई, देखने लग गए कि माँ ने इस आदमी को तो एक ही बार देखा और इतना कैसे बता गई। पर ये बताना कोई बड़ी भारी बात नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं आपको, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप में कौन सा दोष है। और जब आप सत्य हो जाते हैं तो असत्य से आप अलग हो जाते हैं। जैसे कि इस कपड़े पर अगर कोई दाग लगा है और उस वक्त प्रकाश आ गया तो मैं इससे अलग सोचती हूँ कि इसे कैसे साफ कर दिया जाए। इसी प्रकार आप अपने से अलग हट करके जानते हैं कि ये असत्य, ये हम नहीं ले सकते। जैसे आज एक साहब आए, कहले माँ मेरा आज्ञा चक्र आप ठीक कर दीजिए। मतलब क्या कि मुझे अहंकार हो गया, इसे आप निकाल दीजिए। अगर किसी आदमी को कह दीजिए कि आपको अहंकार है तो वो मार बैठेगा आप। लेकिन जिस वक्त आज्ञा चक्र में दर्द होने लग जाता है तो खुद ही कहते माँ मेरा आज्ञा दर रखे पर आप ठीक कर दीजिए, इस आज्ञा से मैं परेशान। क्योंकि जो चीज आपकी दूषित है वो इशारा ही नहीं करती, कभी कभी दुखती भी है, कभी कभी बताती भी है, जताती भी है, और आपके उंगलियों पे आप जानते हैं कि आपको क्या शिकायत है। और आपको शिकायत से एकाकार नहीं। हम लोग योग प्राप्त होने से पहले एकाकार, कोई आदमी है, जैसे एक किस्सा है, आप लोग बहुत सीरियस हैं, इतनी सीरियसनेस की कोई जरूरत है, हल्की तबीयत से प्रसन्न चित्त बैठे। परमात्मा का विषय सीरियस नहीं है, गंभीर है लेकिन सीरियस है। Mm-hmm.